Hello everyone, welcome back to this YouTube channel, The Immigration Gurus. First of all, thank you so much Vidhi for this session and for coming to TIG and for the entire session that you have done in the entire day in Aga's event and for this session as well. So to start with, please share why Red Deer College, and then we are going to move towards the programs, UG and PG, all the programs. So first, why Red Deer College? Why Red Deer Polytechnic? Sure. Thank you so much for the question and an amazing audience of students that we got to meet today. Thank you so much, Immigration Gurus, for having us here. To your question, why choose Alberta or why choose Red Deer Polytechnic? To start with, Alberta offers amazing immigration opportunities. So if you want to get your PR quickly in Canada, you want to live there, there are a lot of opportunities that the government offers. अगर हम बात करते हैं AINP, PNP, Express Entry, LMAI, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, ऑफ कोर्स स्टडी वीजा, जिनके थ्रू बच्चों की PR लग जाती है. सेकंड, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी अफोर्डेबल इन अल्बर्टा. सो अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, खाना पीना, घर बनाना फॉर दैट मैटर, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव अगर आप अल्बर्टा में है तो. अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहते हैं पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो अगर आप वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं पार्ट टाइम, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. यहाँ पे 15 से 18 डॉलर तक आपको पर आवर वेजेस मिलते हैं, जो अगर आप कंपेयर करें ओंटारियो या फिर ब्रिटिश कोलंबिया से, उससे काफ़ी ज़्यादा है. सो वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत अवेलेबल हैं, पार्ट टाइम भी और फुल टाइम भी, और उसके लिए आपको मिनिमम वेजेस भी काफ़ी हाई साइड पर मिलते हैं. अगर हम बात करें प्रोविंशियल टैक्सेस की, तो अल्बर्टा एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे टैक्सेस सबसे कम है. अक्रॉस अल्बर्टा अगर आप देखेंगे, टैक्सेस थोड़े हायर साइड पे रहते हैं. गवर्नमेंट सब्सिडी की वजह से ये आपको सिर्फ 5% रहता है अल्बर्टा में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपका वीजा सक्सेस रेट काफी अच्छा रहे, तो जरूर अल्बर्टा में अप्लाई करें. सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिसके थ्रू आप कंसिडर कर सकते हैं रेड डियर में अप्लाई करने के लिए, अल्बर्टा में अप्लाई करने के लिए. यूजली स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस अल्बर्टा नहीं होता है इनिशियली, बट जैसे कि आप अगर जानना चाहें कि इसके बारे में और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए अवेलेबल अल्बर्टा आने पर, तो प्लीज इमिग्रेशन गुरुज को विजिट करें एंड यहाँ आके और इन्फॉर्मेशन लें. ओके, सो आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग. आई एम आल्सो इन अल्बर्टा राइट नाउ, मैं एडमिंटन में हूँ. So cost of living wise, yes, definitely it is far cost effective compared to other provinces. बाकी सब जगह से बहुत कम cost है. Cost of living के बाद अगर यहाँ पे permanent settle होना है, that is also really cost effective. Even the housing is really affordable. तो वो हमेशा से है यहाँ पे. And savings की जो बात करते हैं, so savings is also really good. So I could compare it with Ontario or British Columbia. I have seen it. Recently, I made a live related to that as well. And second point that you covered related to PR. So PR, of course, Alberta is the most easiest, you can say, PNP province. So PR jaldi ho jati hai. Okay, what are the other benefits, particularly of Red Deer College? Agar Red Deer College ke particular baat kare, toh what kind of benefits students get after joining Red Deer? बिल्कुल सर, रेड डियर आने के अपने बहुत एडवांटेजेस हैं. पहला, जैसे अगर हम बात करें, बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं हमारे पास, उसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे आगे. सो हमारे पास काफ़ी प्रोग्राम्स हैं हर एक स्टूडेंट के लिए. सो अगर आपने आर्ट्स से पढ़ाई करी है, कॉमर्स विद मैथ्स विदाउट मैथ्स, मेडिकल नॉन मेडिकल, एनी बैकग्राउंड इन ग्रेड 12, वी हैव अ लॉट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड PG प्रोग्राम एज वेल विच यू कैन कंसिडर. Advantages of a smaller city, less competition, a lot of in-person experience, काफ़ी आपको you know professor से घुलने मिलने का मौका मिलता है. If there's any question, you can always approach them. It's a very close-knitted society, basically. और छोटे शहर के of course अपने benefits रहते हैं, job opportunities काफ़ी हैं, competition कम है, then you should definitely come and explore Red Deer as an opportunity. Okay, so let's go to towards programs. What kind of programs are available? Starting from PG program, कौन सा PG program आपके पास available है? शायद एक ही program है Red Deer में. जी, Red Deer is a recent polytechnic. So हमें 2021 में government ने polytechnic का you know status provide किया. We were earlier known as Red Deer College.
अगर हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं, हमारे पास एक बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है, पीजी का एक ही प्रोग्राम है, अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टिल वर्किंग ऑन गेटिंग मोर प्रोग्राम्स, बट जो एक प्रोग्राम है इट्स अ ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, 2 साल का प्रोग्राम है, 3 टर्म इसमें स्टडी है, एक कंप्लीट टर्म कोऑप है जो आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है, प्लस द अमेजिंग पार्ट इज दैट इज पूरे 2 साल की कॉस्ट है $20,000, सो इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम. एंड इन टर्म्स ऑफ अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, आपको 3 या 4 साल की बैचलर्स डिग्री इन एनी बैकग्राउंड एंड अ 6.5 ओवरऑल IELTS, नॉट लेस देन 5.5. सो इफ यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स प्लीज फील फ्री टू मेक एन एप्लीकेशन विद अस. अगर किसी के पास IELTS नहीं है, कैन ड्यूलिंगो बी एक्सेप्टेड फॉर एडमिशन या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर? जी बिल्कुल, अगर कोई भी स्टूडेंट स्टेट बोर्ड से हैं, पढ़ाई करी है, तो हम जरूर रेकमेंड करते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाए. यूजली IELTS के अलावा हम लोग TOEFL, PTE, Duolingo सब एक्सेप्ट करते हैं. सिर्फ हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स में सिर्फ IELTS एंड TOEFL एक्सेप्ट करते हैं. और अगर IELTS नहीं है तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर के साथ एडमिशन हो जाता है या IELTS ही चाहिए? जी, अगर स्टूडेंट ने IELTS नहीं किया है तो बहुत अच्छा होगा अगर वो IELTS की रजिस्ट्रेशन लगा दें साथ में एप्लीकेशन में, तो तब भी एडमिशन पॉसिबल है. जी, सो इट इज वेरी मच पॉसिबल. ओके, और अगर मींस बाद में फाइनल लेटर के लिए IELTS देना ही होगा, IELTS या PTE या Duolingo, या फिर ऑफर आ गया तो इट्स फाइनल, कैसे क्या रहता है इसमें? नहीं नहीं सर, बिल्कुल IELTS इज मैंडेटरी, इट्स अ वीजा मैंडेशन एज वेल. So we highly recommend international students to take IELTS exam. IELTS दे या फिर कोई ना कोई English proficiency exam दे तो बहुत अच्छा रहेगा. IELTS actually widely accepted है Canada में, तो हम लोग वही recommend करते हैं. बाकी या फिर visa application, of course IELTS is the best exam. Then we can go under STS from India. So of course that is the best option we have. Okay, Duolingo में क्या score required होता है for admission? जी, Duolingo में we require 115, that's the minimum score requirement. और अगर हम PTE की बात करें तो 59, not less than 56. Okay, so any of the tests can work. अगर IELTS नहीं है तो Duolingo भी काम कर सकता है, so that can also work. बिल्कुल, जी. Okay, so so fee you said $20,000 fee है, so what is the fee for first year? First year की क्या fee है? सर ये सिर्फ हेल्थ इसकी ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम की फी है. अगर हम जनरली प्रोग्राम्स की बात करें, एचआर मैनेजमेंट प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर की फीस कितनी है एंड सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर इज 10,000 एंड सेकंड ईयर इज 10,000. सेकंड ईयर इज 10,000 एंड सेकंड ईयर के अंदर कोऑप है, सो फॉर कोऑप स्टूडेंट नीड नॉट टू पे एनीथिंग, तो वो सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर. एनी एक्स्ट्रा चार्जेस अपार्ट फ्रॉम $20,000? None. Except there is an application fee, which is $150, and a seat reservation amount, which is $1,400. That is seat reservation amount will be adjusted in the fee, correct? In the first year fee, yes. First year fee may adjust ho jayega, but $1,400 pay karke, we can register the seat, matlab wo fees, seat book ho jayegi. Is it open for September intake, ya phir it is open for... Jan intake next year? Currently, we are open for September 23 and January 24 intake. Dono ke liye open hai? Ji. Okay, great. Anything else related to, do you help in co-op as well? Ya phir wo student ki apni responsibility hoti hai co-op lena? Usually, co-op is a part of the program. So, hum log student ke liye find karke dete hai. Agar wo khud se dhoondna chahe, wo bhi ek opportunity hai. Usually, college provide karta hai. Okay. And if student doesn't get any opportunity of co-op or internship, agar bahar se kuch bhi nahi milta hai, so what will happen in that scenario? Student ko uske baad kuch in-house mil jata hai ya project wagera complete karke study complete ho jati hai ya co-op hi karna padta hai? Bilkul sir, mat bahut acha question pucha aapne. To answer this, I will just put some light on the role of a polytechnic in Canada. So kai bari students ka mindset hota hai ki polytechnic jana hai, matlab एकदम ऐसा ना बेकार सा होगा. जैसे हमारे यहाँ इंडियन माइंड सेट है कि पॉलिटेक्निक, किसी ने कुछ नहीं किया तो पॉलिटेक्निक से पढ़ाई कर लिया, ऐसा कैनेडा में नहीं है. दीज आर वेरी रिनाउंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रोग्राम्स दे ऑफर आर वेरी करियर फोकस्ड.
सो बाय चांस अगर आपके प्रोग्राम में प्रैक्टिकल नॉलेज कोऑप नहीं है तो आप प्लीज परेशान ना हो, आपका प्रोग्राम आपको काफी पॉलिश करेगा, आपको स्किल्स प्रोवाइड करेगा जिससे आपकी जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए. एंड ये चीज हमारे ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट रेट प्रूव करता है, विच इज 92% फॉर रेडिया पॉलिटेक्निक. So you get the job opportunities within 3 to 6 months. You get finally placed in a company. But co-op अगर कहीं बाहर किसी कंपनी में नहीं भी होता है तब भी course complete हो जाता है, course में problem नहीं होगी. जी, course complete हो जाता है, plus job में भी कोई problem नहीं आती है. Okay, so program completion में and finally getting a job and all that can happen later on, उसमें कोई problem नहीं है. But course completion में भी कोई hurdle नहीं है अगर किसी कंपनी में co-op नहीं होता है तो. Right? So you should secure your admission as soon as possible. For visa application, we have more than 4 months left right now, but not for admission. You need to secure admission wherever you want to secure admission, whatever is available right now. Just grab that opportunity, secure admission as soon as possible so that you can secure or you can save your September intake. Otherwise, you will require to go for January intake and it will be a loss of 4 months. And that is a big loss because time is money. One more information, you can join TIG team as sales agent. You can ping me for more information on 98123-80882. That is my number and I will share the information with you. This is the list of documents that you can share with us. Just take the screenshot and you can share this document so that we can submit your application as soon as possible. So I hope video is informative and you must share this option with many other people as well. So please share the video as much as possible. To apply with me, you can ping me on my WhatsApp number 98123-80882 or any other numbers given on the screen. Thank you so much for watching this video till the end. See you in next video.